ओके गाइज, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि जिम का व्लॉग डालो, और कल ही एक टूर्नामेंट ख़त्म हुआ है जिसमें हम लोग सेकंड आए हैं, और आज का दिन और मतलब बेसिकली 2-3 दिन फ्री हैं बिकॉज कोई टूर्नामेंट नहीं है BJS की वजह से। तो मैंने सोचा कि जिम का एक व्लॉग बना देता हूँ, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि किस तरह से वर्कआउट करते हो या क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं दिखा देता हूँ 3 दिन में। मेरी एक स्प्लिट होती है पुश पुल एक्स, जो बहुत बेसिक स्प्लिट है, काफ़ी सारे लोगों को पता है। तो आज हम करने वाले हैं पुश, और एक एक वर्कआउट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होता है, थोड़ा समझा भी दूंगा क्योंकि जो लोग करना चाहते हैं वो लोग भी कर लेना अच्छे से। एक साइड पे BGMI का एनालिसिस कंटेंट तो आता ही रहता है, बट अभी सोच रहा हूँ एक जिम का भी ब्लॉग डाल दूँ, मतलब 3 ब्लॉग आएंगे बेसिकली जिसमें पूरा वर्कआउट स्प्लिट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं सीधा वर्कआउट से। ओके गाइज, मैं तुम लोगों को एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये है 1.5 लीटर की बॉटल। ड्यूरिंग वर्कआउट में ट्राई करता हूँ कि पूरा का पूरा पानी खत्म हो जाए, बिकॉज मैं थोड़ा जल्दी वर्कआउट करता हूँ तो उससे पहले बॉडी में ज़्यादा वाटर नहीं होता है। तुम लोग 1 लीटर की बॉटल लेके जा सकते हो स्टार्टिंग में, जिसको पूरा खत्म करने का ट्राई करना। बेसिक वार्म अप सेट्स जो आपने देख लिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे, अभी ये मेन वार्म अप सेट है। फॉर एग्जाम्पल मैं मैक्सिमम वेट 25 या 30 kg का डंबल उठाऊंगा, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उससे पहले, बिकॉज बहुत ज़्यादा वेट है मेरे लिए, वो मैक्सिमम वेट है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उससे पहले उसके हाफ वेट से प्रॉपर वार्म अप कर लूँ 2 सेट। तो एग्जाम्पल मैं अगर 30 उठाऊंगा तो पहले मैं 10 केजी से वार्म अप करूंगा, फिर मैं 15 से वार्म अप करूंगा, देन मैं जाके 30 केजी का डंबल या 25 केजी का डंबल उठाऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इससे कैसे करना है वार्म अप। जस्ट लिफ्ट द वेट, और वेट हल्का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जल्दी जल्दी अप डाउन करो, पूरा स्ट्रेच करो वार्म अप की तरह, ताकि आपकी बॉडी में कुछ भी अगर स्टक है बॉडी पार्ट तो वो ओपन हो जाए, समझ रहे हो। मान लो आपको पता नहीं है आपकी कोई मसल स्टिफ हो रखी है, आपने बिल्कुल हैवी डंबल उठा लिया, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है। और ज़रूरी नहीं आपको 10 से 15 रैप मारने हल्के वेट से, आप 7-8 रैप मारो जब आपको कंफर्टेबल फील होगी, चलो ठीक है इतना सही लग रहा है, देन नेक्स्ट वेट पे मूव करो। तो अब एक और वार्म अप सेट 15 kg से, और लगभग 30-40 सेकंड का ही मैंने रेस्ट लिया, बिकॉज ये वार्म अप सेट से ज़्यादा रेस्ट टाइम की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसके भी मैं शायद 6 से 7 रैप मारूंगा। तो अब देखो वार्म अप करने का फायदा ये हुआ कि मेरे लेफ्ट वाले शोल्डर पे मेरे को थोड़ी सी स्टिफनेस लग रही है, तो अगर हैवी उठाऊंगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो अब सिंपली मैं थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेता हूँ जिससे जो स्टिफनेस है वो चली जाए, एंड देन मेन सेट की तरफ मूव करते हैं। 25 kg के डंबल ले रहा हूँ, ये बहुत हैवी लग रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद डंबल वर्कआउट कर रहा हूँ बिकॉज मोस्टली स्मिथ मशीन पे करता हूँ। सो लेट्स सी, मेन चीज़ ये है कि डंबल इतना ही हैवी लो जिससे आपके 10 से 12 रैप आ जाएं, इतना भी ज़्यादा हैवी मत लेना कि 3 से 4 रैप आएँ, कंट्रोल वे में करना है। अगर बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लाइक आधा ही आप रैप मार रहे हो, तो फिर वो ज़्यादा हैवी है डंबल। तो अभी लेट्स सी कंट्रोल वे में करने का ट्राई करते हैं। वन फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व 12 में हालत टाइट हो गई मेरी। तो अभी 30 kg से करते हैं सेकंड सेट, और लास्ट टाइम तो शायद 8 या 9 रैप आए थे, आई गेस 10 का ट्राई करते हैं बिकॉज 3 मिनट का रेस्ट लिया मैंने, और जस्ट 1 रैप लगवाने के लिए तो हेवन भाई थोड़ा सपोर्ट देंगे। ठीक है, रेडी। वे बहुत ज़्यादा हैवी क्यों लग रहा है आज? 8 से 10 के बीच में, 10 तो आने चाहिए। ऊपर कराओ, हाँ छोड़ दो। वो भाई लगता है खाया पिया काम आ रहा है थोड़ा, तो लास्ट सेट में इंक्लाइन पे करूंगा बिकॉज इंक्लाइन पे ना मेरे को थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन और मसल माइंड कनेक्शन फील होता है। तो दोनों साइड 20-20 लगा रखे हैं, और ये रॉड विद मशीन वेट भी 20 kg, तो ये भी 60 kg हो गया। मैं इंक्लाइन पे इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं 10-10 kg हटा दूंगा एक सेट मारने के बाद, तुरंत मैं ड्रॉप सेट करूंगा जिससे बहुत ज्यादा लाइक आप कह सकते हो मसल टियर होगा, तो वही चाहिए हमको प्रॉपर हाइपरट्रॉफी। तो लेट्स सी, थोड़ी सी हेल्प चाहिए मेरे को इंक्लाइन पे बिकॉज वो 10-10 kg हटाना है मेरे को, ड्रॉप सेट करना है। ड्रॉप सेट, हाँ
2, 3, 4, 5, come on, light by it. 6, 7, two more, come on. 8, 9, 10. फटाफट खाओ. एक्सपेक्टेड नहीं था कि 10 आ जाएंगे, बट मैंने मेरे को लगा था 6-7 आएंगे. कमान अपर चेस्ट ट्रेन हो चुका है, बहुत अच्छे से पंप आया है. अभी मिड चेस्ट ट्रेन करना है. मिड चेस्ट के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, बट जब मैं अपर चेस्ट बेंच प्रेस या फिर स्मिथ मशीन या फिर हैवी डंबल से करता हूँ, तो मैं मिड चेस्ट बेंच प्रेस पे नहीं करता या फिर डंबल से नहीं करता. मैं बेसिकली फ्लाई से करता हूँ. और कैसे करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ. दोनों साइड पे केबल लगा के लाइक एक ही जगह खड़े होके थोड़ा सा बेंड हो जाता हूँ 90 डिग्री. उसके बाद इसको नीचे प्रेस करना लाइक सिंपल लाइक दिस. 1, 2, 3, 4 and try to hold for 1 second. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. One more thing to add कि जब भी आप bend हो तो ट्राई करो कि आप ऐसे ना रहो. आपका चेस्ट अगर अंदर चला जाएगा तो फिर वो कॉन्ट्रेक्शन फील नहीं होगा, मसल मैन कनेक्शन फील नहीं होगा. तो आपको चेस्ट लाइक बाहर रखना है ऐसे, एंड देन पुश करना है. लास्ट वर्कआउट ऑफ चेस्ट बटरफ्लाई. और मैं 3 चेस्ट का वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद मैं शोल्डर एंड ट्राइसेप करता हूँ एक दिन में. सो लेट्स डू इट. जस्ट सारे चेस्ट के वर्कआउट में आपका चेस्ट बाहर ही रहेगा. 7, 8, 9, 10, 11, 12. ट्राई करना कि हर चेस्ट के वर्कआउट में या कोई भी वर्कआउट में आप 1 सेकंड का पॉज लो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, जिससे क्या है आपका मसल मैन कनेक्शन भी अच्छा होगा और आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइपरट्रॉफी मिलेगी जो भी मसल पार्ट आप कर रहे हो. एंड मैं इसके 3 सेट करूँगा, उसके बाद हम लोग शोल्डर पे चलेंगे. सो नाउ आई विल डू साइड डेल्ट्स. वैसे मैं यूजुअली फ्रंट डेल्ट्स पहले करता हूँ, शोल्डर ओवरहेड प्रेसेस, बट अभी लास्ट वीक से मेरे फ्रंट डेल्ट में बहुत स्टिफनेस लग रही है. यानी ये मेरे को लग रहा है कि रिकवर नहीं हुआ है, तो शायद मैं आगे वाले पुश सेशन को उसमें चेस्ट को स्किप कर सकता हूँ, बिकॉज फ्रंट डेल्ट को थोड़ा रेस्ट देना है. फिलहाल आज के लिए फ्रंट डेल्ट नहीं करेंगे, ओनली साइड डेल्ट्स एंड दो ट्राइसेप की एक्सरसाइज. सो लेट्स डू साइड डेल्ट फर्स्ट. 14-15 रैप के बाद मैंने पूरा फेलियर टच हो गया था. तो मैंने पार्शियल रैप करे 5, बिकॉज आपको लगता है कि आपका फेलियर टच हो गया, बट स्टिल अगर आप पार्शियल रैप करोगे तो और 4-5 रैप्स आ जाएंगे. तो ट्राई करना वो चीज़. शोल्डर का वर्कआउट खत्म हो गया है. एवान भाई का भी कार्डियो खत्म हो गया. कार्डियो खत्म हो गया आपका? तो अभी 2 ट्राइसेप की एक्सरसाइज बाकी. लेट्स डू इट. Two.
लास्ट सेट में पार्शियल रैप नहीं मारे तो थोड़ा लगा नहीं कि सेट मारा है। देखते हैं इसको फुल फेलियर तक टच करते हैं। वेट भी बढ़ा दिया थोड़ा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो ये कंप्लीट फेलियर था थोड़े पार्शियल रैप्स के साथ में। लास्ट सेट थोड़ा और वेट बढ़ा दें, 2 प्लेट बढ़ाता हूँ फिर उसके बाद, नहीं 3 प्लेट बढ़ा लेता हूँ, 65 kg हो गया है। इसके बाद सीधा ड्रॉप सेट मार लूँगा तो जो बचा कुचा हाइपरट्रॉफी फेलियर है सब हिट हो जाएगा। ओ फक, जैसे उसको नीचे के एब्स में क्रैम्प आ गया, एब्स है नहीं पर फिर भी क्रैम्प आ गया। हाँ ट्राई करते हैं, थोड़ा आराम से नीचे करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फटाफट से 65 kg का आधा, 32.5 होता है बट 35 लगा लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो लेट्स चेक आउट द पंप, और इनको लेट्स में ज़्यादा पंप दिखना चेस्ट से भी। सो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कटिंग करो बहुत फैट आ रहा है पेट में, बट खाना पीना छोड़ा नहीं जाता टू बी ऑनेस्ट। ग्रुप कैंप पे रहते हैं तो कभी रात को कुछ खाना मंगा लिया, कभी लेट सोए, बट ओवरऑल पंप तो बहुत तगड़ा है भाई सब। और रेट इसका फैट तो एक दिन कम करना ही पड़ेगा। चलो ट्राइसेप्स की एक्चुअली 2 एक्सरसाइज हो गई है बट एक दिखाया रिकॉर्डिंग हो पाई, खत्म हो गया वर्कआउट। मिलते हैं सीधा बूट कैंप पे चल के। देखो दोनों ऐसे खड़े हैं जैसे पूरी मुंबई पे कब्जा करेंगे एक दिन। अरे बीजेएस देखा मेरा पार्ट देख रहा हूं, शादी ये देखो भाई असली रीडिंग तो इधर चल रही है। खेलो खेलो, देखो भाई बाहर बीजेएस चल रहे हैं, अंदर मैचे चल रहे हैं, और इधर एक और चीज ऐड हो गई है, तरक्की चल रही है तरक्की। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, पर ये लॉन्डो को देखो तो नीचे से दिखाना पड़ेगा। कल रात को इन्होंने बोला था कि आज खेलेंगे नहीं, क्योंकि कल मतलब वो जो चल रहा था ना 6 दिन का टूर्नामेंट तो उसमें थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे, बट फिर से बैठ गए 3 बजे खेलने और स्क्रीम्स खेल रहे हैं, तो नो छुट्टी। बिकॉज पता है सभी को टीम नई नई है, जितना ज़्यादा हो सके ग्राइंड करना है उतना बढ़िया है, बिकॉज इधर एक और चीज़ चल रही है जिसमें भी बहुत अच्छा करना है। होप फॉर द बेस्ट, और तैयारी तो पूरी है ऑलमोस्ट। अब देखो एक और चीज़ का हमें फ़ायदा हो सकता है अभी बीजेएस में, कि अभी जो हमारे ग्रुप में टीम्स आने वाली हैं उनके मैचेस सबके हो चुके हैं, तो दोबारा रीशफल हुए ग्रुप्स, तो अभी रीड करना इजी रहेगा कौन कहाँ उतरता है कैसे किधर जाता है, तो सारी चीज़ें रीड करके मे बी चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएँ, बट फिर भी कुछ भी हो जाता है भाई बीजेएस है वो। ये देखो भाई, अबे कितनी बॉटल पियोगे एक साथ, वो फ्लेवर ढूंढ रहा है अपना वाला जो जेल उठा लाया। सिर्फ एक ही था, मन नहीं किया। नहीं मिल रहा क्या वो फ्लेवर? ये सारे तो फालतू लगते हैं मेरे को। हैं? ये सारे तो फालतू लगते हैं मेरे को, वो येलो वाली पसंद है। क्या कर रहे हो? ये क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? अरे भाई क्या गुस्सा हो गया, क्या गुस्सा काम करो मेरे। अरे यहाँ ऐसे ही चलता है, जो जितना ज्यादा परेशान होता है उसको और ज्यादा ट्रोल करते हैं। चलेगा ना, इसे पास से लूंगा एकदम भाई, और पास मिल जाओ बस। इस मैच में 3 मैं नहीं खेल रहे, देखो जॉनी ज्वाइन ही नहीं कर पाया। फाइट से नहीं इनिशिएट करेंगे करेंगे भाई इनके साथ, ठीक है? चाहे 2 रन उतर रहे चाहे जो मर्जी, इनको इनके साथ करते ही करते हैं, ठीक है? लॉस देते हैं जो लोगों को। कहाँ है, किधर है, क्या मीन आ रही है इसमें? ये देखो भाई सारे दिन ग्राइंड करके चेतक आ जाओ। क्या ये है? दही पापड़ी चाट। अरे ये वो नहीं है, ये पापड़ी चाट तो वो खा रहा है वो पीछे खड़ा, देखो ना मतलब दही है, ये दही दिख गया, दही में टिक्की डाली है। और अच्छा ऐसे ही तुम लोग अगर हेल्दी डाइट रखोगे ना अपनी, हेल्दी तो मेरी जैसी बॉडी हो जाएगी, मेरे जैसे स्पोर्ट प्लेयर बन सकते हो। अच्छा ये सीक्रेट जो पूछते ना लोग,
ये सीक्रेट। एक और क्लच मास्टर की हेल्दी डाइट देखो, वो पीछे से पहचान में आ रहे हैं। उसने कुत्ते के बिस्किट मंगाए अपने लिए, पता नहीं क्यों। मैंने पूछा क्यों, बोलते नहीं बताऊंगा। कुछ तो रीजन होगा, उसी से क्लच होते होंगे। तुम्हें भी खाने चाहिए फिर तो कुत्ते के बिस्किट। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ना क्लच करो तो ही बढ़िया। एक एक हो रहा है हेल्दी डाइट, उसका भी सिर्फ सर दिख रहा है। दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। तुम्हारा क्लच का क्या रीजन है, जो क्लचेज वगैरह करते हो? ये खा के होता है ना? नहीं। तो मेडिटेशन। मेडिटेशन करते हो कब? सुबह सुबह। और क्या सोचते हो? स्ट्रेच वगैरह। गोलियों की आवाज या कोई और साउंड? गॉड। गॉड, अच्छा स्पिरिचुअल साउंड। याद तो कुछ नहीं आया, बट हर जगह पे एक ही चीज हो रही है आजकल। ओ जेली पॉप। कस्टम खेल रहे हो तुम? तुम भी खेल रहे हो ना जेली? तुम भी कस्टम खेल रहे हो ना? हाँ, मैं तो रात के 2 बजे तक खेलता ही रहता हूँ। क्या हो गया, ये क्वेश्चन क्यों पूछा आपने? नहीं ऐसे ही वो 2 बजे तक ग्राइंड करते हैं, लेकिन दूसरी आईडी से करता था कि लोगों को वो ना दिखे। और तुम कौन सी आईडी से करते हो? K9 ज़ैप करके आईडी मेरी तो होती है उनके साथ। एडमिनो की आईडी से तुम खेलते हो? और तुम किसकी आईडी से खेलते हो एडमिनो? क्या तुम उमर भाई की आईडी से खेलते हो? क्या वो कह रहा है कि मैं एडमिनो की आईडी से खेलता हूँ। मैं सिंप एडमिनो की आईडी से खेलता है, तो तुम कौन सी आईडी से खेलते हो? जॉनी की आईडी से। तो दोस्तों अगर तुमको ऐसा ही कंटेंट चाहिए। अरे चू चू कर रही है शेर, दोबारा बोलो। जेली खेल खेल के पागल हो चुका। पागल हो गया हूँ मैं। तो दोस्तों अगर तुमको एटिंग व्लॉग्स और चाहिए पॉटर भाई के चैनल पे, तो अगर तुम वीडियो को लाइक और लाइक का एम लोग करते हैं 10 लाइक्स का 10 लाइक्स 10,000 लाइक्स का, तो ही नेक्स्ट व्लॉग आएगा। अबे 10,000 लाइक्स सुना आने वाले, तो फिर हम करते हैं 100 लाइक्स का टारगेट। ज़्यादा गिर गए, ज़्यादा गिर गए हम, ज़्यादा गिर गए हम। 1,000 लाइक्स का टारगेट करते हैं। 1,000 तो आ गए। 50 कमेंट्स करते हैं हम। 50 कमेंट्स हाँ। 50 कमेंट्स करते हैं हम। पॉटर गेमिंग पार्टी ओपी। पॉटर की दुनिया मस्त दुनिया। पॉटर की दुनिया मस्त। और 50 कमेंट्स करते हैं हम लोग दिल से गॉड लाइक। और 50 कमेंट्स करते हैं हम लोग जॉनी और गॉड। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? फिर बस ऐसे फिर अगला व्लॉग मिलेगा तुम लोगों को देखने के लिए। एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल। तो बाय बाय। तो बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।